हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भिंडी की सूखी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की हम सूखी सब्जी बनाएंगे तो इसकी कटिंग भी हम अलग तरीके से करेंगे। हम एक प्लेट लेंगे, उसमें भिंडी के दोनों पॉइंट को काट के हटा देंगे। फिर हम बीच से ऐसे कट लगाएंगे। भिंडी को हम चेक कर लेंगे बीच में कुछ है तो नहीं। फिर हम इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। तो हम सूखी भिंडी की सब्जी बनाने के लिए ऐसे ही भिंडी की कटिंग करेंगे। चलिए हम दूसरा भिंडी काट के दिखाते हैं। हमने आगे का पॉइंट काटा, पीछे वाला काटा और इसको बीच से कट लगाया, चेक कर लिया और फिर हम छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेंगे। तो चलिए हम सभी भिंडी को ऐसे ही काट लेते हैं। हमने सभी भिंडी को एक साइज में काट लिया है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। हमने एक कढ़ाई ले लिया है, अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे फोरन यानी कि सूखी मिर्ची का फोरन डालेंगे। तो मिर्ची को हम दो टुकड़े में तोड़ के डालेंगे। भिंडी की सब्जी में सूखी मिर्ची का फोरन हो और सरसों का तेल हो तो बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। मिर्च को हम हल्का सा सेकने देंगे। आप देख सकते हैं मिर्च का कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अब हम इस स्टेज पे भिंडी को डाल देंगे। तो ये ताजी ताजी भिंडी कटी हुई हो जो देखने में इतना सुंदर लगता है, बनाने में भी मजा आता है। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल के साथ। भिंडी को हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। हमें ढकनी नहीं बनाना है, खुले हम इसे भूनेंगे। भिंडी को हम बीच बीच में चलाते रहते हैं क्योंकि ताजी ताजी भिंडियों में नेचुरल रस जो है वो छोड़ता है, यानी कि आप देख सकते हैं ये लार जो है ऐसे तैयार होता है। तो हम इसे चलाते हुए सुखा लेंगे, तभी सब्जी बढ़िया तैयार होती है। भिंडी को हमने 4 से 5 मिनट तक तेल में ऐसे भून लिया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो हम सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे और इसमें ऐसे चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। भिंडी की सब्जी में हम मसाला को ऐसे चारों तरफ फैलाते हुए डालते हैं क्योंकि ये जहाँ पे पड़ता है वहाँ चिपकने लगता है। सूखी सब्जी में कभी भी आप मसाला को ऐसे फैलाते हुए डालिए। तो हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हर एक भिंडी में मसाला जो है अच्छे से चिपक चुका है। अब हम फ्लेम एकदम स्लो करके और भिंडी को 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक भी हम फैलाते हुए डालेंगे। मसाला डालने के बाद हम भिंडी को 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भून लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स, तो वो होगा गरम मसाला। मसाला भी हम फैला के ही डालेंगे और लास्ट में डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से भिंडी की सब्जी बहुत ही सुंदर टेस्टी होती है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं भिंडी की सूखी सब्जी हमने
आपने बढ़िया से बनाया है, कम तेल लगा है। भिंडी की हरी हरी कटिंग जो है वो दिख रही है। ऐसे हम अब 2 ही मिनट तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को ऑफ करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार सब्जी को मिक्स कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भिंडी हरी हरी दिख रही है, इसका चिपचिपाहट बिल्कुल चला गया है, मसाले की कोटिंग भी अच्छे से हो गई है। तो ये है अपनी परफेक्ट भिंडी की सूखी सब्जी। अब इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। भिंडी की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप पूरी पराठे चावल के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।